हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए विज्ञान का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से संबंधित 38 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पूरे किताब के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। और बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके का बोर्ड के पेपर में इस बार MCQ पूछेगा। तो इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चेंज इस तरीके से हो रहा है कि इस बार बोर्ड के पेपर में हर बुक से संबंधित या हर पेपर में आप सभी को 20-20 MCQ पूछेगा। तो 20-20 MCQ करने के लिए आप सभी को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, MCQ वाली सीरीज को देखना पड़ेगा। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से एंड तक देखना है। और ये जो मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, ये विद्या सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि किस तरीके से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, उसको ध्यान समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, उसको ध्यान से यहाँ पे टिक करना है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा इसमें सही नहीं है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये बात सही है। लेकिन हम सभी क्या करना है, इसमें से गलत छांटना है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सभी को पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अगला ऑप्शन ये है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ भी है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करती है, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। प्रकाश कैसे तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आइए समझते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, ∞, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमारी होती है अनंत। क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, एक होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, या अनंत होता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका जो m का मान होगा, आवर्धन का मान होगा, वो हमेशा एक होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण किस तरीके का दर्पण होगा। तो वह दर्पण होगा समतल की, अवतल की, उत्तल की, इनमें से कोई नहीं। तो वह दर्पण कैसा होगा, वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। कैसा होगा, अवतल दर्पण। नज़दीक रखने पर सीधा बनेगा और दूर रखने पर उल्टा बन जाएगा, तो ऐसा दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, ध्रुव और फोकस के बीच होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, या वक्रता केंद्र पर होगी, या वक्रता केंद्र के पीछे होगी। तो जब भी किसी अवतल दर्पण के द्वारा कोई अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो ये जो हम वस्तु रखेंगे इसकी कंडीशन होगी पोल और फोकस के बीच। कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच रखेंगे, तभी आपका वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो हम इस कंडीशन में हम रखेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, इसका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि यहाँ बोल रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर के दूर पर एक वस्तु रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? देखो, जब भी वस्तु का जो फोकस दूरी है अगर अवतल दर्पण के सामने अगर दोगुना बनाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? तो हम जब भी केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का जो आकार होता है समान और दोगुना बन सकता है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हुए है? तो देखो, एक अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस या फोकस और उसके त्रिज्या में संबंध होता है कि f बराबर r बाई टू। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या का मान दे रहा है 20 और बटे में 2 कर लो तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का कभी भी फोकस होगा तो दर्पण के पीछे होगा, यानी कि निगेटिव होगा, माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। तो जब उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी निकालना है तो यही सूत्र लगाएंगे, एफ बराबर आर बाई टू। आर का मान दिया है 32 बटा 2 तो 16 तो निकल के आ जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो होगी पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। अगर अवतल दर्पण होता तो निगेटिव होता, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? आइए समझते हैं। दृष्टि क्षेत्र कहने का सेंस है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो दूर देख सकता है या ज़्यादा दूर देख सकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम वाहनों में हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ताकि हम दूर स्थित वस्तुओं को या हमारे जो भी पीछे वाहन छोटी बड़ी चल रही है हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे दूर कौन देखेगा? उत्तल दर्पण। उससे कम कौन देखेगा? सबसे बड़ा कौन दिखाएगा? तो अवतल दर्पण। और बराबर आकृति का कौन दिखाएगा? समतल दर्पण। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? उत्तल दर्पण वाला। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा। इसको समझते हैं कि जो भी हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन हमेशा आभासी और सीधा वाला बनाएगा। कौन सा? आभासी व सीधा। लेकिन और यही हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। लेकिन एक जो लास्ट में कंडीशन होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे में बन जाता है और उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं तो वो भी आभासी और सीधा बन जाता है। ठीक ना, जब हम फोकस दूरी के आगे रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो कौन सा दर्पण हो सकता है जिसमें आप कहीं भी खड़े हो, कितना भी दूर खड़े हो तो प्रतिबिंब सीधा दिखेगा? तो इस कंडीशन में केवल समतल नहीं होगा, केवल अवतल नहीं होगा, केवल उत्तल नहीं होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। दोनों कंडीशन में हम सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख सकते हो, बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, आर का मान निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हो कि एफ बराबर आर बाई टू होता है और 10 बराबर आर बाई टू, तो टू इधर से गुणा हो जाएगा तो आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? तो वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, आप सभी को ऐसे ही बता दे रहा हूँ बिना ऑप्शन से, कि जब भी हम किसी भी उत्तल लेंस में वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से जब बड़ा प्रतिबिंब देखने की कोशिश करेंगे तो हम वस्तु को रखेंगे एफ और 2f के बीच में रखेंगे। कहीं भी रखोगे तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा।
आइए अगला क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3800 क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार करके चले जाओ, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। बोला जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। तो सबसे अधिकतम जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में अभीष्ट संबंध है, कई बार बता दिया, कई न्यूमेरिकल करवा दिया, एफ बराबर आर बाई टू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन चेंज किया है, एफ बाई टू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर टू एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। कितना विचलित होगी? आपस में क्या करा दो, माइनस। विचलित करने कहने का सेंस क्या है? आपतन कोण मान लो कि 60 से आ रही है, विचलित हो रही 20 पे, तो इनके दोनों का अंतर निकाल लो, 40 डिग्री पे निकल के आ जाएगी। आसानी से हम कर सकते हैं आई माइनस आर कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो जब लंबवत कहेगा तो हम क्या मारेंगे, जीरो डिग्री। क्या मारेंगे? जीरो डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, किस हम चीज़ का हम प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं? जल करते हैं, कांच करते हैं, प्लास्टिक करते हैं, मिट्टी नहीं करते हैं। मिट्टी से कौन लेंस बना सकता है भाई? कोई नहीं बना सकता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, दोनों की क्या है 15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है कौन सा, अवतल लेंस। सीधे सीधे मारेंगे, अवतल दर्पण भी हो जाएगा और अवतल लेंस भी हो जाएगा जब फोकस दूरियां निगेटिव में दिया रहेगा तब। समझ गया कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, इनमें से बताइए। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, नहीं उत्तल लेंस दूर के लिए, अवतल लेंस नज़दीक के लिए, तो नज़दीक के लिए हम कर देंगे 50-50 दिया है तो 50 सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और इसको ध्यान से हल करते हैं, पूरा बढ़िया से हल करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा, आप सभी को बताना है। तो जब भी अनुपात पूछेगा यानी कि आवर्धन क्षमता एक से अधिक होगा नहीं, एक से कम होगा, एक से हमेशा कम, मार दो, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें? तो हम यहाँ पे समान आकृति को बनाएंगे, अभी मैंने बताया एक और क्वेश्चन था, 2R दूरी पर रख रहे थे, केंद्र से दोगुनी दूरी पर, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समान साइज का प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 2F पर रखोगे तो हमेशा 2F के ही बराबर बन जाएगा, 2F पर ही बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल जब भी कोई क्षमता पूछेगा तो पी बराबर 1/F होता है और F हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो पी का मान कितना दिया है, 1 मीटर, तो 1/1 कर लो और पी का मात्रा पावर का मात्रा क्या हो जाएगा, डायोप्टर, तो यहाँ पे एक डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस होगा तो निगेटिव होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 1/50 कर दो, 100 से गुणा कर दो, 2 डायोप्टर निकल के आ जाएगा, क्या 2 डायोप्टर पॉजिटिव निकलेगा तो उत्तल लेंस, निगेटिव आ जाएगा तो अवतल लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी बताओ।
तो देखो पी का मान यहाँ पे दे दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है, पी का मान दिया है, फोकस दूरी का मान, तो पी को इधर भेज दो तो वन बाई पी हो जाएगा, तो वन बाई पी में सौ से गुणा कर लो तो दस, पाँच है ना, तो एक बटा पाँच अगुणे सौ कर लो तो बीस यहाँ से निकल के आ जाएगा, उत्तल है तो पॉजिटिव हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ रहे कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन कि 10 डायोप्टर क्षमता वाले, माइनस 10 है क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो एक बटा 10 गुणे 10 तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 तो यहाँ सही, उत्तल है तो निगेटिव होगा, अवतल होगा तो पॉजिटिव होगा। अब देखो पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, भैया सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये शर्त होती है कि जो भी प्रकाश किरण होती है सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम में आने की कोशिश करेगी। ऐसा सघन माध्यम ये है, मतलब कांच से एयर में जाना चाहिए, समझ गए, तो अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पॉसिबल हो पाएगी। अब आओ अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कौन सा होगा, वो दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों बनाएगा सीधा। एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव है तो कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस, कैसा होगा, अवतल लेंस, इसमें लेंस पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना चाहिए, कहाँ पर रखेंगे, तो दर्पण के पोल और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तभी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के पोल के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा, तो अनंत और पोल के बीच में आप कहीं पर रखोगे तो कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, तो फोकस और पोल के बीच में बन जाएगा, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन ये है, देख सकते हो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, डेढ़ दुना तीन, 2×10^8 हो जाएगा, आसानी से 2×10^8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस कैसा है, देखो आभासी बन रहा है ना, तो आभासी कौन बनेगा, आभासी बनेगा अवतल लेंस में, अवतल लेंस देख लो, अवतल लेंस देख लो, ठीक अवतल लेंस यहाँ पे है 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। अब अगला क्वेश्चन समझ सकते हो कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता निकालो, तो 1/5×20 कर दो तो 100 कर दो तो 20×5 5 मीटर है ना, फोकस दूरी दिया है तो इसकी क्षमता निकालना है, तो 1/5×100 कर दो तो क्या हो जाएगा, 20 5 मीटर, तो मीटर में होना चाहिए, तो 100 से गुणा नहीं करेंगे, जब मीटर में दिया रहेगा तो 100 से नहीं गुणा करेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तब करेंगे, तो 1/5 0.2 आ जाएगा, 0.2 डायोप्टर, अवतल लेंस है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अगला अंतिम नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा, किस दर्पण में, दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने क्या बोल रहा है, सामने दर्पण के सामने रखने पर, वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, तो क्या बोल रहा है, उत्तल अवतल समतल, इसमें बोल ही नहीं रहा है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल लेंस है, तो इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।